स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही यहाँ पर डिजिटी की एक अपडेट निकल के आई है आईटी छात्रों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी छात्र 2018 के हैं, 2019 के हैं, उन छात्रों के लिए नोटिस जारी किया है। ठीक है, डिजिटी की मेन वेबसाइट पर ये नोटिस मिल जाएगा, नहीं तो नीचे मैं लिंक डाल रहा हूँ हमारी वेबसाइट का, वहाँ से क्लिक करके आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में बेसिक जानकारी भी आप हमारे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं से मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर भी मैं इस नोटिस को डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि नोटिस में दिया क्या गया है। आप लोग देख सकते हैं 25/3/2022 यानी कि 25 मार्च को ये नोटिस आया है। ठीक है, और इसमें डिजिटी ने किन किन छात्रों के लिए बात की है, देखिए आप सब सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिन छात्रों की बैक लग चुकी थी, देखिए यहाँ पर जो जितने भी 2018 वाले छात्र हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के छात्र बात कर रहा हूँ, 2018 वाले, ठीक है, और 2019 वाले भी, 19 से 20, अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग CTS स्कीम सर मैडम। तो देखिए काफ़ी, मैं आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताने वाला, अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जितने भी 2018 वाले छात्र थे, 18 से 20 वाले, ठीक है, और 19 से 20 वाले, ठीक है, और 19 से 21 वाले छात्रों को भी यहाँ पर पहले भी मिल चुका, तो उन्हें पहले भी बताया था, मैंने आपको जो वीडियो बताया था, तो उनके ग्रेस देने की मार्क बात की है। जितने भी छात्र ग्रेस से मतलब फेल हैं, यानी कि इन्होंने कहा है कि ट्रेड थ्योरी में जिसके 24 नंबर से 32 नंबर के बीच में है, यानी कि अगर आपके 24 नंबर या फिर 32 नंबर के बीच में है तो आपको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। ठीक है, 24 नंबर से ज़्यादा, ठीक है, 24 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, 24 भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप लोग पास कर जाओगे जितने भी 2018 वाले हैं, 2019 वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ES और प्लस WCS की, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, आपके जो नंबर होने चाहिए वो 12 नंबर से लेकर के 16 नंबर होने चाहिए, तभी आपके 17 मार्क्स करके पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल ट्रेड थ्योरी में कितने मार्क्स आने चाहिए, 33 नंबर, और वर्कशॉप में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कितने नंबर आना चाहिए, 17 नंबर। ठीक है, तो उन्होंने वही बात कही कि 12 नंबर से लेकर के 16 नंबर आपके वर्कशॉप या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में होने चाहिए। ठीक है, और एक बात और इन्होंने और कही है कि तीनों में जो है, अगर आप तीनों में अगर आपकी बैक है, यानी कि ट्रेड थ्योरी में भी आपकी बैक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में बैक है, ES में भी बैक है, तो ये तीनों में आपको पास करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड थ्योरी होगा, तीनों में आपको ये पास करेंगे, तीनों में आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा जितने जितने नंबर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये जो लेटर है, तो बस इसमें इतना ही उन्होंने दिया है कि हम इतना ही सिस्टम इसमें करने वाले हैं। तो जितने भी छात्रों का रुका हुआ है रिजल्ट, या फिर हम कहें कि आप लोगों का अभी ग्रेस मार्क्स इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो जल्दी ही जो है ये अपडेट कर देंगे। हालांकि अभी इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, कुछ दिन वेट करो, जल्दी ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे छात्र 2019 के ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट भी आ चुकी होगी, फेल दिखा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों का दोबारा से रिजल्ट आएगा या फिर दोबारा से आप लोगों की मार्कशीट आएगी और उसमें आपको पास दिखाया जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर जो हमें ग्रेस मार्क्स मिलता है क्या वो मार्कशीट में शो करेगा, तो डियर वो शो नहीं करेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कंप्लीट दिया जाएगा, जैसे नए छात्रों का होता है, जो फ्रेश छात्र होते हैं जो बिल्कुल ग्रेस मार्क्स के बिना पास हो जाते हैं, ऐसे ही आपकी मार्कशीट आएगी, आपको उसमें कोई भी शो नहीं करेगा कि आपके इतने नंबर का ग्रेस मिला, इतने नंबर का, है ना, तो कहीं ना कहीं फिर वो तो दिक्कत पैदा करेगा ना आने वाले समय में, तो वो जो है इस चीज में नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी छात्रों की यहाँ पर बैक आई थी 24 से या फिर 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर हैं आपके अगर ट्रेड थ्योरी में, तो आप लोग पास कर जाओगे। बस 24 से नीचे नहीं होने चाहिए, और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 12 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 12 भी हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट था DGT का जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर रुके हुए थे ग्रेस मार्क्स के कारण, 2018 वाले और 2019 वाले, ठीक है, तो आप लोगों को ये ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर देंगे। जल्दी इस पर रिजल्ट भी अपडेट कर देंगे, और पूरी जानकारी अगर आपको और ज़्यादा चाहिए इसके बारे में जानकारी, तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके नोटिस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और जितनी भी आपको PDF वगैरह चाहिए स्टडी के लिए या फिर ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, तो वो भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, नीचे मैंने लिंक दिया है, ITExamYT.net हमारी वेबसाइट है, और नीचे टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी खबरें देता रहता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।